हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पालक मटर पनीर। पहले तो हम आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं पालक पनीर, आज हम बनाएंगे पालक मटर पनीर। तो आइए देखते हैं क्या क्या डालते हैं हम इसमें। पहले हमने पनीर लिया है 400 ग्राम, इसे हमने आप जिस भी आकार में चाहें काट लें, हमने छोटे छोटे आकार में काट लिया है। मटर हमने हाफ के जी लिया है और यहाँ पर पालक का साग भी हमने हाफ के जी लिया है। उसे हमने हल्का सा बॉईल करके और उसे उसका हमने पेस्ट बना लिया है। प्याज हमने 3 मीडियम साइज के आकार का लिया है। 4 चम्मच हमने दही लिया है और 1 बड़े साइज का टमाटर है और कुछ बेसिक मसाले हैं इसमें, जिसमें 1 चम्मच मिर्चा पाउडर है, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा गुलकी पाउडर, लहसुन का पेस्ट है 2 चम्मच और नमक स्वाद के अनुसार। तड़के के लिए हमने यहाँ पर तेज पत्ता लिया है। तो आइए बनाते हैं पालक मटर पनीर। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम तेज पत्ता डालते हैं। अब हम इसमें प्याज डालते हैं। प्याज जब गुलाबी हो जाएगा तब हम इसमें मसाला डालेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, इसमें अब हम मसाला और टमाटर डाल देते हैं। इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं, फिर दही डालेंगे। मसाला हमारा भून चुका है, इसी में अब हम मटर और दही दोनों डाल देते हैं, ताकि मटर भी पकता रहेगा और दही भी अच्छी तरह से भून जाएगा। और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि हमारा दही फटे नहीं। थोड़ी देर भुनने के बाद फिर हम दिखाते हैं आपको। मसाला मटर हमारा भुन चुका है, मटर भी हमारा पक चुका है। अब इसमें हम पालक डालेंगे। इसी में हम पानी डालकर जितना हमें ग्रेवी रखना है उतना डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेते हैं। ग्रेवी के अनुसार हम इसमें पानी डालेंगे, उसके बाद हम इसमें पनीर डालेंगे। बॉईल हो जाता है फिर आपको दिखाते हैं। ग्रेवी हमारा बॉईल हो चुका है, अब इसमें हम पनीर डाल देते हैं। पनीर हमने फ्राई नहीं किया है, कच्चा ही पनीर हम डालते हैं। आप अगर चाहें तो इसे फ्राई कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, और 1 बॉईल आने तक इसे हम पकाएंगे। उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे, फिर हम सर्व करते हैं, तब आपको दिखाते हैं। पालक मटर पनीर बनकर बिल्कुल रेडी है, काफी टेस्टी हुआ है। ये रेसिपी आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। इसे हमने क्रीम से गार्निश किया है, काफी मजेदार लगता है ये खाने में। आप इसे रोटी पराठा नान किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगे, मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर नए वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।